नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप। भाई दिन भर इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत कुछ हुआ है, तो कुछ मजेदार चीजें आप भी जान लीजिए। पहली खबर है महाराष्ट्र से। 21 अक्टूबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोट पड़े। अब एक पोल बूथ से ऐसी तस्वीरें आईं कि सोशल मीडिया पर सबका दिल गार्डन गार्डन हो गया। हुआ ये कि कई लोग पोल बूथ तक जाने की जहमत नहीं करते। ऐसे में एक वीडियो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। वीडियो है एक ऐसे कपल का जो दिव्यांग है, वो वोट डालकर बाहर निकल रहे हैं। 24 सेकंड के इस वीडियो को 12,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है। कई लोग सोशल मीडिया पर इस कपल की काफी तारीफ भी कर रहे हैं। दूसरी वायरल खबर है बिहार से, भागलपुर। यहां पर जगदीशपुर थाना क्षेत्र है। यहीं की एक महिला के प्रेग्नेंट होने पर बवाल मच गया। महिला की ननंद इसी बात को लेकर डीआईजी के पास तक चली गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया। दरअसल महिला जो प्रेग्नेंट है, उसकी शादी 5 साल पहले हुई थी। महिला की ननंद के मुताबिक उसकी भाभी 3 महीने से प्रेग्नेंट है, जबकि उनके भैया तो यहाँ है ही नहीं, वो तो 7 महीने से कोलकाता में है, जॉब कर रहे हैं। घर वालों ने जब महिला को साथ में रखने से मना किया तो पंचायत बैठी। वहां पर महिला ने कहा कि बच्चा उसके पति का ही है, सपने में उसके पति आते थे और यही वजह है कि वो प्रेग्नेंट हो गई। वैसे ये सच नहीं है। पंचायत के दौरान ही महिला का फोन भी चेक किया गया और उनके फोन में नंबर मिला एक लड़के का। तब जाकर बात साफ हुई कि बच्चा उस लड़के का है। अगर महिला की बात सच निकलती तो मेडिकल साइंस के लिए काफी चमत्कार से कम नहीं होता। अगर आप जोमैटो से खाना मंगाते हैं तो आपको ये तीसरी खबर सुनकर धक्का लगने वाला है। जोमैटो पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगा है। नहीं, आपको अपनी जेब से पैसे नहीं देने हैं। दरअसल हाल में ही जोमैटो के ऑफिस पर छापा मारा गया। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के सैनिटरी विभाग ने ये छापेमारी की। वहां देखा कि परिसर में साफ सफाई ठीक तरह से नहीं थी। ऑफिस की छत पर बिना इस्तेमाल किए कई सारे फूड डिलीवरी बैग्स पड़े हुए थे जिनमें पानी भरा हुआ था। ऐसा पानी मच्छरों के पनपने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है। विभाग ने ऑफिस के कैंपस में साफ सफाई में कमी पाई, इस वजह से जोमैटो पर 1,00,000 का जुर्माना लगा दिया गया। चलते हैं चौथी खबर की तरफ। एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, मध्य प्रदेश से है। वो कहते हैं ना, जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई, ऐसा ही कुछ हुआ। एक बच्चा है, अपने घर के सेकंड फ्लोर पर खेल रहा है। खेलते खेलते सेकंड फ्लोर से गिर जाता है, पर किस्मत देखिए, नीचे एक रिक्शा धीरे धीरे चल रहा है। बच्चा सीधे रिक्शे की सीट पर लैंड करता है। ये सब कुछ पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है। वीडियो हो गया वायरल। लड़के के पिता ने भी बताया कि बच्चे का चेकअप हॉस्पिटल में हो चुका है और वो पूरी तरीके से ठीक है। अब बच्चे हैं तो शैतानी तो करेंगे ही, पर न्यूयॉर्क में रहने वाले एक मम्मी ने अपने बच्चों की एक बुरी आदत छुड़वाने का गजब तरीका निकाला। महिला का नाम है रेनी जॉनसन। इनके 2 बच्चे हैं, पूरे घर में कैची लेकर दौड़ते रहते थे। रेनी ने उनकी ये आदत छुड़वाने का क्या तोड़ निकाला। उन्होंने एक नकली जुबान ली, फिर एक कैची उससे आर पार कर दी, फिर वो जमीन पर लेट गई। तभी उनके बच्चे स्कूल से वापस आए, ये देखते ही चिल्लाने लगे। एक ने तो कैची निकालने की कोशिश भी की, तब जाकर रेनी ने राज खोला। ये वीडियो जबर वायरल हो रहा है। लगता नहीं इसके बाद रेनी के बच्चे दोबारा कैची को हाथ भी लगाएंगे। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल दी लल्लनटॉप को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, तो ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के लिए हमें वहां जरूर फॉलो करिए। अब आप देख सकते हैं दी लल्लनटॉप क्विज सौरभ द्विवेदी के साथ, शनिवार रात 9 बजे और रविवार सुबह 11 बजे और रात में 8 बजे तेज चैनल पर। थैंक यू।